hello everyone so now we are going to solve the question number second of buyback and this question covers a partly paid up variety so i'm going to solve the partly paid up variety uh, what is important in this question is we have in the question partly paid up shares you can see the question 7 rupees per share paid up it is given so what we have to do as in the first lecture i have already covered that partly paid up shares cannot be buyback for that purpose we need to convert the partly paid up into fully paid up so whenever we will be passing the general entries two entries extra we have, we have to pass over here that is final call due and final call received so while calculating uh, the buyback we are going to take the fully paid up shares which is very important point of this question because if you take the same amount from the question your calculation will be wrong so see how i am calculating so in the previous uh, lecture i have already covered about how to prepare the working notes for buyback how to calculate the important points related to buyback so it's the same point over here but one extra point which we are going to see today is partly paid up shares what to do with that Okay, so we have the offer price given in the question as 40. We have the various kinds of sources we have general reserve, we have profit and loss, and we have securities premium. So, see how to deal with that. So, first working note we have prepared, and that was sources, which is also called as free reserves. So, I'm writing over here general reserve, second is profit and loss, and third is your securities premium. So, general reserve, the amount given in the question is 80,000. So, I am writing the same amount. Profit and loss, it is 6 lakhs. And, securities premium is 1 lakh 20,000. Then, we have to add this. Both the, um, both the points we have to add. Total, we have to take this. So the sources दोर्सेस टोटल वी आर गेटिंग एज एट लैक्स केफ्टर दैट विल बी कंसिडर एज अल्फाबेट ए तो पहला हमारा working note था sources का सोर्सेस में हमें फ्री रिजर्व लेने हैं हमारे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व था प्रॉफिट एंड लॉस था और सिक्योरिटीज प्रीमियम था तो so, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इस चैप्टर में फ्री रिजर्व कंसिडर होता है सेकेंड पॉइंट है हमारा ओन फंड्स एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओन फंड्स इसके लिए एक फॉर्मेट था जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे इक्विटी इक्विटी में ऐड करेंगे प्रेफरेंस प्रेफरेंस में ऐड करेंगे हमारे फ्री रिजर्व तो हमारा ऊपर टोटल आया है तो हमारा जो टोटल है एट लैक्स ठीक है तो उसको कंसिडर करेंगे अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है फुल्ली पेड अप तो एट्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई येस वैल्यू टेन डू नॉट कंसिडर सेवन फॉर दिस बिकॉज हम यहां फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स का कंसिडरेशन लेंगे तो यहाँ पे एट लैक्स आ जाएगा प्रेफरेंस का वैल्यू क्या हमारे क्वेश्चन में है तो आप देखेंगे प्रेफरेंस हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो डैश लिखेंगे प्री रिजर्व या रिजर्व का टोटल कितना आया था हमको रिजर्व का टोटल आया था हमको एट लैक्स तो एट लैक्स में दिख दिया यहाँ पे अब हमें फिर से क्या करना है इनको ऐड करना है तो एट लैक्स और एट लैक्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा सिक्सटीन लैक्स दिस सिक्सटीन लैक्स इज देन दिसक्स इज द रूल अवर रूल सेस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओंड फंड सिक्सटीन लैक्स का आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट कैलकुलेट करना है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ सिक्सटीन लैक्स तो देंसर बिकम्स फोर लैक्स एंड दिस फोर लैक्स विल बी मार्क एज अल्फाबेट बी तो ये हमारा अल्फाबेट बी यहाँ पे आ चुका ठीक है दिट क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो दिस दिस मच वी हैव सोल्ड नाउ तो क्या हमने सॉल्व किया है सोर्सेस का कैलकुलेशन हमने सॉल्व किया है उसके बाद हमने ओन फंड्स कैलकुलेट किए और ओन फंड्स कैलकुलेट करने के बाद हमने कैलकुलेट किया ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर ओन फंड्स दैट इज योर अल्फाबेट बी अब थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा फिफ्टी परसेंट ऑफ बोरोड हमारा थर्ड पॉइंट होता है फंड्स में से फंड्स का 50 करके करेंगे तो हमारा ओन फंड लैक्स माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ बोरोड फंड ठीक है फंड्स से ,00 ,00 ,00 ,00, फंड्स। आपके बोरोड फंड आप चेक कर सकते हैं वी लोन अनसिक्योर्ड लोन बैंक लोन ऐसे टाइप के पॉइंट्स आते हैं तो यहाँ पे फिफ्टी परसेंट ऑफ कितना अमाउंट है टोटल फोर लैक्स ठीक है मतलब लोन आएगा उसमें फोर लैक्स का फिफ्टी परसेंट कितना होता है टू लैक्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ माइनस टू लैक्स वी आर गेटिंग द आंसर एस फोर्टीन लाख दिस इज योर अल्फाबेट सी तो अल्फाबेट सी तो भी हमने कैलकुलेट कर लिया क्या था फॉर्मूला ओन फंडी परसेंट ऑफ बोरो फंड कम्सोर्थ नंबर का पॉइंट फोर्थ नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे भी मैंने लिखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपको ध्यान से ये कैलकुलेट करना है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में मैंने फुल्ली पेड अपना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा वैल्यू लेना है यहाँ पे एट लैक्स बिकॉज फुल्ली पेड प्रेफरेंस अप इक्विटी शेयर्स का ही वैल्यू हम लेंगे तो टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ढूंढना है आपको एट लैक्स का तो दैट कम्स टू पीस टू लैक्स हमें क्या करना है नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे नीचे लिखता हूं नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टू लैक्स डिवाइडेड बाय वॉट इज योअर फेस वैल्यू यूर फेस वैल्यू इज टेन यू आर गेटिंग नंबर ऑफ शेयर ट्वेंटी शेयर्स तो हमें आंसर मिल गया है ट्वेंटी थाउजेंडर्स का ठीक है अभी हमें क्या करना है हमारी ऑफर प्राइस देखनी है तो हमने लास्ट टाइम किया था अमाउंट ऑफ टेयर्स अमाउंट फॉर द शेयर इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स मिला मल्टीप्लाइड योर ऑफर प्राइस वॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन गिवन तो ट्वेंटी थाउजेंड इन फोर्टी आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा एट लैक्स इसको हम मार्किंग करेंगे अल्फाबेट डी ओके तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया ए देन वी हैव कैलकुलेटेड बी देन वी हैव कैलकुलेटेड सी एंड डी एक बार चेक कर लेते ए का आंसर है एट लैक्स बी का आंसर है सिक्सटीन लैक्स सी का आंसर है फोर्टीन लैक्स और डी का भी आंसर है एट लैक्स ठीक है इन सभी में से स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सा है देखो स्मॉलेस्ट तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्मॉलेस्ट बी दिख रहा है मुझे बी अमाउंट है स्मॉलेस्ट तो आपको क्या करना है ए बी सी डी में से स्मॉलेस्ट अमाउंट कंसिडर कर लेना है तो लास्ट पॉइंट में जाएंगे मैक्सिमम बायबैक बैक क्या है मैक्सिमम बायबैक बैक फॉर्मूला क्या है ए टी और डी पिचेवर इज स्मॉल डिवाइडेड बाय आपका जो भी ऑफर प्राइस रहेगा वो हम कंसिडर कर लेंगे तो एबीसीडी में से स्मॉलेस्ट कौन सा अमाउंट था तो स्मॉलेस्ट अमाउंट था फोर लैक्स डिवाइडेड बाय वॉट इज योर ऑफर प्राइज योर ऑफर प्राइज इज फोर्टी तो आपको फोर लैक्स को अगर आप फोर्टी से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा टेन थाउजेंड दैट विल बी योर मैक्सिमम फाइव बैक ठीक है तो इसके अंदर अभी प्रेजेंट कर रहा हूं कितना आंसर मिला आंसर मिला हमें टेन थाउजेंड ठीक है आंसर इज टेन थाउजेंड शेयर हमारा फाइनल आंसर आया टेन थाउजेंड शेयर्स कैन बी बॉड बैक So this is the working note which we have to prepare every time. I hope this much is clear to all of you. If this much is clear to all of you, the rest of the points which we are going to solve the general entries as well as the balance sheet will become very easier for you to solve the questions and get full marks in the paper. Because the first and the foremost point is how to pre prepare the working note or calculate the maximum number of shares the firm can buy back. So I have covered two questions now. Number one was normal variety fully paid up and number second was partly paid up equity shares so whenever partly paid up equity shares are given while preparing the working note we will be considering the fully paid up shares only but there will be two entry extra which will be passing while preparing the journal entries and that will be final call due and final call received that's it from this session if you like the video do like it share with your friends and if you are new to the ch channel subscribe it because i am putting all this related videos of your uh, accountancy buyback and all the chapters in a very easy and simple manner thank you very much from this session bye bye take care